अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, आज हम लोग निकले हैं सैर सपाटे करने, तो हमने सोचा चले आपको भी साथ ले चलते हैं। तो हम लोग आज जाना, एक्चुअली वेदर है ज़बरदस्त किस्म का, 30 हो रहा है टेम्परेचर, और हमने सोचा चले आज बच्चों को थोड़ा सा बाहर घुमा के आते हैं। तो हम आए हैं मिसिसागा करिया पार्क में, और ये छोटा सा गार्डन है बिल्कुल मिसिसागा के मिड में समझ लें। और ये जो है ना स्क्वायर वन जो हमने दिखाया था उसके बैक साइड पे ही है करीब करीब। तो बस जी ये देखें, ये इसका जो है ना फ्रंट गेट के सामने ये बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। और चौधरी साहब ने हमें यहाँ फ्रंट पे जो एक्चुअली जो है ना यहाँ पे पार्किंग की स्पेस नहीं है यहाँ फ्रंट पे, तो हमें ना यहाँ पे उन्होंने ड्रॉप ऑफ किया और खुद जो है ना पार्किंग ढूंढ के तो फिर वो लगा के अभी आते हैं। तो हम लोग चलते हैं आपको जब तक थोड़ा सा ये दिखाते हैं। तो ये देखें जी, ये कितने खूबसूरत माशाल्लाह से जो है ना चेरी ब्लॉसम के जो ट्रीज़ हैं वो कैसे ब्लूम कर रहे हैं, और कितना खूबसूरत। ये देखें, ये पिक्चर्स बड़ी ज़बरदस्त आती हैं यहाँ पे। तो ये है, हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके, हमने कहा चलें थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर हमने कहा नहीं चलें हम खुद ही जो है ना अंदर चले जाते हैं और जाके जो है ना चौधरी साहब को फिर जो है ना बता देंगे कि हम इस जगह पे आप आ जाएं। तो जनाब जी जो है ना हमज़ा साहब कह रहे थे कि आप वेट ना करें, चलें अंदर, किसका वेट कर रही हैं। तो बस जी ये देखें करिया पार्क, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी गई हैं कि बाईसाइकिल यहाँ पे मना है चलाना, और अपने पेट्स एनिमल्स वगैरह डॉग शॉग लेके आना यहाँ पे मना है, कोई ना लेकर आए, और सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए यहाँ पे। और जितने भी डक्स वगैरह यहाँ पे हैं, बर्ड्स हैं, उनको आप लोग फीड नहीं करवा सकते। तो ये बिल्कुल टोटली ये फ्री है, कोई टिकट्स वगैरह यहाँ पे नहीं है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत हसीन और जमील ये गार्डन है, छोटा सा ना पार्क तो नहीं, मैं तो इसको गार्डन ही कहूँगी। तो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वेदर भी काफ़ी अच्छा है, और बाहर पहले जो है ना अगर हम धूप में खड़े थोड़ी हल्की सी तपश महसूस होती है, लेकिन जैसे ही हम लोग फिर थोड़ा आगे जाएँ तो ट्रीज़ के नीचे जब जाते हैं तो बड़ी ठंडी ठंडी सी जैसे कूल ब्रीज जैसे चल रही होती है, इस तरह से ऐसे लग रहा है। तो चले जी आगे हम लोग चलते हैं। ये हमारे राइट साइड पे जो है ना एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे डक्स है कुछ, उन लोगों ने छोड़ी हुई है पार्क में। बस ये हम चल के इसको जवाब को दिखाते हैं, यहाँ पे डक। और ये देखें यहाँ पे काफ़ी लोग और भी पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, हम भी चलते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। जवाब देखा है छोटे छोटे बेबीज़ किधर से? एक मिनट में जवाब काउंट करो, ये कितने बेबीज हैं। Hmm? No, that's the mama. Baby. Yeah, ye mama hai uski. Joe, what type of duck is that? Do you want one? Yeah, I'll kidnap it. So, you know the chicks? Yeah. Kidnapper? I took them. जवाब ना टेंशन हो रही थी कि मम्मा उसके साथ है और वो आपको मारेगी। किधर जा रहा है? उस उधर भी है पानी। अच्छा आप देखना, ये देखो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे सारे उनके पीछे पड़ गए ना, ये वहीं से वापस मुड़ के फिर वापस उसी पानी में चली जाएगी बच्चों को लेके। तो बच्चों से तंग आकर ना ये वापस जा रही है बेचारी। अच्छा ये देखें बच्चे सारे खेल रहे हैं, ग्रास देखें कितनी लश ग्रीन ग्रीन ग्रास है, ट्रीज बड़े प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है।
चलो वो आगे चल के बैठते हैं ट्री के नीचे, उधर एक बेंच पड़ा हुआ है। हाँ आप लोग ये बच्चे जवाद और हबीबा आप लोग उधर जाओ, मैं पिक्चर बनाती हूँ आपकी। और ये हमजा और जुनेद चलें, ये ट्री के नीचे ना बेंच पड़ा हुआ था, हमने कहा चलें इधर ही बैठ जाते हैं। ये देखें बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ, मैं एक दो इनकी पिक्चर्स बनाऊँगी जब तक। तो बस अब चौधरी साहब भी आने वाले हैं, तो ये देखें कितना माशाल्लाह इतना पुरसकून है, चौधरी साहब भी आ गए हैं। तो चलें जी अब जो है ना ये आ गए हैं। चलें अब चलते हैं आगे, बाकी का हम पार्क देखते हैं चल के। तो बस ये देखें यहाँ से ये ना छोटे छोटे रास्ते से ऐसे निकलते हैं पगडंडियाँ सी, और ये जो है ना उसको जाके मिलाती है, जो राइट साइड पे जो एक रास्ता जा रहा है छोटा सा ये यूँ, ये देखें इस तरफ को जो राइट साइड पे है ना फर्स्ट वाला, ये जा रहा है उसी पॉन्ड पे जो हमने देखे डक और उसके छोटे छोटे बेबीज थे वहाँ पे, और ये उधर को चले जाते हैं। और ये देखें ये चेरी ब्लॉसम ट्रीज़, ये बड़ा ही खूबसूरत हैं। ये बेसिकली जापान का जो है ना सारा व्यू हमें जो है ना बिल्कुल उसी से जो है ना मिलता जुलता, उन लोगों ने ना सब ट्रीज़ वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। और हमज़ा ने तो वहाँ देख के कहता है कि मम्मा 2 डेज़ के ट्रिप के लिए हम लोग चलते हैं ना जापान, और वहाँ चल के देख के आते हैं। तो बहुत ही माशाल्लाह से ये इतना लाइक जैसे हम लोग बड़ा पुरसकून और पैराडाइज किस्म का जो है ना व्यू यानी कि लग रहा था वहाँ पर, ऐसा फील हो रहा है। तो बस इस तरह से जो है ना ये बड़ा खूबसूरत से हमने वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ली। ये जो है ना जो करिया जो बेल है ये करिया सिटी से ही आई है जापान से, और उन्होंने गिफ्ट की मिसेस सागा को, और मिस सागा ने फिर जो है ना और भी जितने भी स्टैचूज वगैरह हैं जो भी उनके पवेलियन और ये सब जो है ना वो उन्हीं का ही गिफ्ट किया हुआ फिर इन लोगों ने यहाँ पर मिसेस सागा में सारा जो है ना नसब किया गया। तो इसी तरह से जैसे इन्होंने वो किया इसी तरह से वहाँ मिसेस सागा पार्क है करिया सिटी में। अच्छा जो वहाँ पे पार्क है मिसा के नाम से करिया सिटी में, उसमें जो है ना मिस सागा जो इसका जो है ना क्या कहेंगे यहाँ का जो एक सिटी हॉल है उसकी जो बिल्डिंग है ना डुप्लीकेट वहाँ पे बनाई गई है छोटी सी, और जो मेपल लीफ है यहाँ का उसका मेटल का स्ट्रक्चर बना के उस पार्क में लगाया गया है, और मिस सागा का साइन लगाया गया है बाहर, इतना बड़ा मिस सागा पार्क लिखा गया है। तो जनाब इस तरह से जो है ना यहीं से पता चलता है कि इनके कितने अच्छे जो है ना लेन देन का हिसाब किताब है, और कितने अच्छे जो है ना जापान के साथ भी रिलेशनशिप इनका कितना अच्छा है। तो बस जी ये जो है ना छोटा सा ये गार्डन, ये एक मिस सागा और कनाडा की मोहब्बत दिखाता है कि जापान से कितनी मोहब्बत है। ये देखें ये कितना प्यारा फ्लावर मैंने जूम करके लिया, ये बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे बच्चों की कुछ पिक्चर्स लीं, तो ये फ्लावर्स के ऊपर ना बहुत सारी ना वो आ रही थी यहाँ पे क्या कहते हैं हनी बीज, तो उससे जो है ना जवाद को हमज़ा ने डरा दिया कि जो है ना अब आएंगी और तुम्हें काट लेंगी यहाँ पे। हम जवाद ने जो है ना डरना रोना मचा दिया, तो बस वो डर रहा था। तो बस फिर उसने कहा जी नहीं अब तो मैंने टिकना ही नहीं है, बस जल्दी चलें और घर चलें बस, तो मुझे नहीं यहाँ पर रुकना। वो हनी बीज भी काफ़ी जो है ना जब उनको हम देखते हैं तो वो काफ़ी, पहले हम जब गौर नहीं करते तो नहीं होती इतनी ज़्यादा, लेकिन जब देखने लग जाए तो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आने लगती हैं कि हाँ काफ़ी सारी हैं। तो ये डक्स को वैसे जवाद ने जो है ना काफ़ी इंजॉय किया। तो बस जी मैं यहीं पे अपना जो है ना अपने इसका इख्तिताम करती हूँ कि आपको जो है ना हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, हम आज यहाँ घूमने आए और आपको भी साथ साथ सैर करवा दी। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो मेरे इस ब्लॉग को आप ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बेल बटन को लाजमी जो है ना प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली जो भी हमारी वीडियो हो आपको जल्द अज़ जल्द मिलती रहे। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। ओके जी अल्लाह हाफिज़, खुश रहें आबाद रहें।